हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं निहार का सो आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे लिप ट्रस्ट जो कि मेरे रियल फेस पे बहुत अच्छे लगते हैं मतलब विदाउट मेकअप मैं हमेशा इनको वेयर करती हूँ ऑब्वियसली आप मेकअप हमेशा तो अप्लाई नहीं करते हो आप घर में तो नॉर्मली रहते हो तो इवन मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं डार्क आईलिस हैं, हैं। मतलब कुछ भी कुछ भी जितने भी फ्लॉज हैं तब भी ये शेड मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाते हैं तो इस वीडियो में मैं एकदम ही बेयर फेस लाइक रॉ फेस पे इन्हें अप्लाई करूंगी मैं कुछ भी हाइट नहीं करने वाली सो so दैट आपको भी आइडिया मिले और अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरे से मिलता है तो आपको पता चलेगा कि ये शेड तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेट्स स्टार्ट सो so, यहाँ मैं करूँगी वॉइस ओवर और आप देख सकते हैं मैं विदाउट मेकअप हूँ डासक एंड एवरीथिंग सब कुछ दिख रहा है जो सबसे पहला शेड है जो कि मेरा फेवरेट है ये है मामा अर्थ का हनी ब्लश और ये एकदम क्रीमी फिनिश वाला शेड है बहुत ही इजीली ग्लाइड होता है हाइड्रेटिंग है एंड द बेस्ट थिंग जैसे आप अप्लाई करेंगे कुछ देर बाद ये आपका ट्रांसफर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ हो जाएगा यानी आपके लिप्स पर रहेगी बिल्कुल भी नहीं हटेगी ऑल्सो ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है और आपको पूरे टाइम एक अच्छी सी शीन लिप्स पे मिलती रहेगी जो नेस्ट लिपस्टिक है वो है ईबा की और ये शेड है सिनमन चाय ये शेड सच में बहुत प्यारा है एंड आई थिंक ये इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है चाहे आप फेयर हो या मीडियम स्किन टोन हो ये जो शेड है सॉर्ट ऑफ कूल अंडरटोन है यानी ब्राउन है बट मॉविश अंडरटोन के साथ बहुत ही सटल लगता है पर स्टिल हल्की सी डेप्थ देता है ये मैट नहीं है क्रीमी मैट लिपस्टिक है आपको हल्की सी शीन देगा बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है लिप्स पे एंड यस yes, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है प्लम की और ये शेड है गिव मी मॉफ ये पिंक अंडरटोन शेड है आप कह सकते हो थोड़ा सा कूल अंडरटोन है इसमें क्योंकि पिंक के साथ साथ आपको पर्पल हिंट भी देता है जो कि काफी अच्छा लगता है स्किन पे और एक तरीके से शेड थोड़ा सा यूनिक भी है ऑल्सो इस लिपस्टिक का फॉर्मूला बहुत अच्छा है मतलब आपको एक बार ये प्लम की लिपस्टिक जरूर ट्राई करना चाहिए दिस इज वेरी यूनिक ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है पर बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है लिप्स को ड्राई नहीं करता है जो नेक्स्ट मैं यहाँ यूज करूँ वो एक्चुअली लिपस्टिक नहीं लिप लिपटेंट है क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो गए थे द विदचेस तो ये मेरा फेवरेट लिप लिपटेंट है ये है बॉबी ब्राउन का आई नो ये है, ये है बट वर्थ द प्राइस है ये हल्का सा आपके लिप को भी कर देता है सुपर हाइड्रेटिंग लाइट वेट है एंड एंड खूबसूरत सा टेंट आपको देता है आपके लिप्स बहुत अच्छे ग्लॉसी दिखते हैं जो नेस्ट लिपस्टिक है वो है ये फेसेस कैनेडा की और ये जो शेड है ये लाइक मोस्ट ब्यूटिफुल शेड है इस रेंज का और मैं कहूंगी ये शेड आई थिंक सभी के पास होना चाहिए हर इंडियन स्किन टोन पे ये बहुत खूबसूरत लगे लगेगा आप खुद ही देख सकते हैं कि विदाउट मेकअप जब ये इतना खूबसूरत लग रहा है तो विद मेकअप कितना अच्छा लगेगा ये जो लिप कलर है बहुत ज्यादा यूनिक है अप्लाई करते ही आपके पूरे फेस को ब्राइटन अप कर देता है एंड ये लिपस्टिक ट्रांसफर होती है लेकिन स्टिल आपके लिप्स पे बनी रहती है मतलब लिप्स से जल्दी नहीं हटती एंड दिस इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड हाइड्रेटिंग जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है प्रॉश की और ये शेड है सॉरी एंड अगेन ये बहुत ही यूनिक शेड है इसमें आपको पीच पिंक एंड कोर के हिंट्स मिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है जब भी मैं लिप्स पे अप्लाई करती हूँ मतलब फेस को ये ब्राइटन अप कर देता है ये लाइट मीडियम या फेयर स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा है अगेन ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है लेकिन स्टिल लॉन्ग लास्टिंग है मैट फिनिश है और आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल फॉर्मूला और मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है जो नेस्ट लिपस्टिक है वो है ये मार्स की क्रीमी मैट और ये शेड है एरियर रॉ ये सॉर्ट ऑफ ब्राउन है पर इसमें हिंट ऑफ रेड एंड ऑरेंज आपको दिखेगा मतलब सटल शेड है बट बहुत ही प्यारा लगता है आप आराम से एवरी डे इसको वेयर कर सकते हैं दिस इज सुपर कंफर्टेबल। हाँ ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है पर अगेन लिप्स को ड्राई नहीं करती और सॉर्ट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग है जो लास्ट है वो है एट्यूट का फिक्सिंग टेंट और ये है शेड सॉफ़्ट वॉलनट मुझे लाइक ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस ये ऐसा शेड है जो परफेक्ट है इंडियन स्किन टोन के लिए कोई भी से वेयर कर सकता है ये लिप टिंट है तो आप को ये मैट फिनिश देता है और इवन अगर ये रिमूव भी होती तो भी आपके लिप्स पे एक अच्छा खासा टेंट रहता है तो इसे वेयर करके आप आराम से अपना खा पी सकते हैं ऑल्सो ये ड्राइंग नहीं है आप अप्लाई करोगे आपके लिप्स को ये हाइड्रेट रखता है आप दो से तीन कोट आराम से कर सकते हैं और जैसे ये ड्राई आउट होता है ये आपका ट्रांसफर प्रूफ एंड स्मच प्रूफ हो जाता है यानी ये आपके लिप्स पे रहता है और इवन अगर रिमूव भी हुआ तो मैंने बताया कि टेंट आपके लिप्स पे रहेगा सो so गाइस ये थे मेरे फेवरेट लिप क्रॉस जिन्हें मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ और ये मेरे फेवरेट हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड यस बाय